हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्लास सिक्स्थ। क्लास सिक्स्थ में आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर टेन का नेम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। क्या है? अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। एलिमेंट्री शेप्स के बारे में हम इसमें रीड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में दे रखा है आपको इंट्रोडक्शन। ऑल द शेप्स वी सी अराउंड अस आर फॉर्म्ड यूजिंग लाइन और कर्व्स। जो हमारे आसपास जितने भी शेप्स होते हैं, शेप्स आप लोग जानते ही हैं, जितने भी शेप्स होते हैं ना, शेप्स यानी आकृतियाँ, जो जितने भी शेप्स होते हैं ना, वो किस में होते हैं? लाइन्स। वो शेप बनाने में क्या लगता है? लाइन्स और कर्व्स लगते हैं। क्या क्या लगते हैं? लाइन्स और कर्व्स लगते हैं। वी कैन सी कॉर्नर एजेस प्लान प्लेन ओपन कर्व एंड क्लोजर कर्व इन आवर सराउंडिंग। हम देखते हैं कॉर्नर्स को, देखते हैं एजेस को, देखते हैं प्लेन को, प्लेन होता है ना बिल्कुल प्लेन फिगर को देखते हैं, ओपन कर्व्स को देखते हैं, क्लोज कर्व को देखते हैं हमारे आसपास। वी ऑर्गेनाइज देम इंटू लाइन सेगमेंट एजेस एंगल्स ट्राइंगल्स पॉलीगन्स एंड द सर्कल, है ना। वी ऑर्गेनाइज, हम इनको ऑर्गेनाइज करते हैं किसमें? लाइन सेगमेंट में, एंगल्स में, ट्राइंगल्स में, पॉलीगन्स एंड सर्कल्स में। वी फाइंड दैट दे हैव डिफरेंट साइज एंड द मेजरमेंट। हम क्या पाते हैं कि ये सब क्या है? अलग अलग साइज के और अलग अलग मेजरमेंट के हैं। लेट अस नाउ ट्राई टू डेवलप टूल टू कंपेयर देयर साइज। हम क्या करते हैं? ट्राई करते हैं कि इन सबकी साइज को अलग अलग टूल से कंपेयर करने की, यानी अलग अलग टूल से मेजर करने की। तो फर्स्ट में आपको दे रखा है मेजरिंग लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर करते हैं? लाइन सेगमेंट आप लोग जानते ही हो, ठीक है। वी हैव ड्रॉ एंड सी सो मेनी लाइन सेगमेंट। आप बहुत सी लाइन सेगमेंट्स को क्या कर सकते हो? ड्रॉ कर सकते हो और सी यानी देखते हो। सच दैट अ ट्राइंगल इज मेड ऑफ थ्री एंड अ क्वाड्रिलेटर ऑफ फोर लाइन सेगमेंट। जो ट्राइंगल होता है वो कितनी लाइन से मिलके बना होता है? थ्री लाइन सेगमेंट से। और जो क्वाड्रिलेटर होता है वो कितनी लाइन सेगमेंट से मिला होता है? फोर लाइन सेगमेंट से। ट्राइंगल तो कितनी लाइन सेगमेंट से बनता है? थ्री लाइन सेगमेंट से। और क्वाड्रिलेटर फोर लाइन सेगमेंट से। अ लाइन सेगमेंट अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट्स क्या होता है? लाइन का फिक्स्ड पोर्शन होता है, यानी फिक्स्ड होता है भी वो इतनी सेंटीमीटर की होगी, उसकी लेंथ इतनी होगी, ये होगी, ये क्या होती है? फिक्स्ड पोर्शन होता है, उसे क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। दिस मैक इज पॉसिबल टू मेजर लाइन सेगमेंट। तो हम क्या कर सकते हैं? ये क्या करता है? उसको पॉसिबल बनाता है कि हम उस लाइन सेगमेंट को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, उसकी साइज को बता सकते हैं भी ये कितनी बड़ी है या फिर कितनी छोटी है। दिस मेजर ऑफ ईच लाइन सेगमेंट इज अ यूनिक नंबर कॉल्ड इज लेंथ, है ना। जब हम इस लाइन सेगमेंट को मेजर करते हैं तो इसको किसके नेम से जानते हैं? इसको क्या बोलते हैं? लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ। वी यूज दिस आइडिया टू कंपेयर लाइन सेगमेंट। हमने क्या ये आइडिया किसके लिए यूज़ किया है? किसके लिए यूज़ किया है? लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करने के लिए, यानी कौन सी लाइन बड़ी है और कौन सी लाइन छोटी है, इसको कंपेयर करने के लिए। टू कंपेयर एनी टू लाइन सेगमेंट। हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं कोई भी टू लाइन सेगमेंट्स को। वी फाइंड अ रिलेशन बिटवीन देयर लेंथ। तो हमें क्या मिलेगा? उन दोनों के लेंथ में रिलेशन, संबंध मिलेगा। दिस कैन बी डन इस सर्वल वे। और इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं? बहुत से तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। फर्स्ट में दे रखा है कंपेरिशन बाय द ऑब्जेक्शन, है ना। हम उसको ऑब्जर्व करके, उसको अच्छे से रीड करके, देख के भी हम क्या कर सकते हैं? उसको कंपेरिजन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। दिया हुआ है बाय लुकिंग लाइन सेगमेंट कैन यू टेल विच वन इज़ लॉन्ग, है ना। आपको टू लाइन सेगमेंट दी हुई है और आप बता सकते हो कि इसमें से कौन सी बड़ी है और कौन सी वाली छोटी है। तो यू कैन सी डैट द ए बी लाइन सेगमेंट इज लॉन्गर देन सी डी लाइन सेगमेंट। जो ए बी लाइन है ना, वो किससे बड़ी है? सी डी से बड़ी है। बट यू कैन नॉट ऑलवेज बी श्योर अबाउट योर यूजबल जजमेंट। और कभी कभी क्या होता है, हम जो हम देखते हैं ना, उस पर भी हमें कभी कभी विश्वास नहीं होता है कि कौन सी छोटी है या कौन सी बड़ी है, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लुक एट द लाइन
लुक एट द लाइन सेगमेंट एक्स वाई एंड एम एन. आप देखो लाइन सेगमेंट एक्स वाई को देखो और एम एन को देखो. द डिफरेंट इन द लेंथ बिटवीन दीज टू मे नॉट बी ऑब्वियस, है ना. दोनों में क्या है अलग अलग डिफरेंट लाइन लेंथ, दोनों की क्या है अलग अलग लेंथ है. दिस मेक अदर वे टू कंपेयर नेसेसरी. अब आप क्या कर सकते हैं, इसको अलग तरीके से भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. व्हेन वी वांट टू कंपेयर द लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी, जब हम लाइन सेगमेंट ए बी और सी डी को कंपेयर करेंगे, वी मेजर ए बी एंड प्लेस इट ऑन सी डी एज शो बिलो फिगर वन. हम क्या करते हैं, डिवाइडर लेते हैं. डिवाइडर बहुत जानते हो ना आप लोग डिवाइडर क्या होता है. उसमें हमने पहले क्या किया, ए बी को कंपेयर किया, फिर उसको सी डी से कंपेयर किया. तो इससे तो हमें कैसा लग रहा है कि ए बी और सी डी क्या है, दोनों इक्वल है. लेकिन जब हमने ए बी को थर्ड वाले पोजीशन पे रखा तो क्या आ गया, सी से थोड़ा सा बड़ा निकल गया. तो यानी जो ए बी है वो क्या है, सी डी से बड़ा है. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. उसके बाद दिया हुआ है देखो कंपेरिजन यूजिंग रूलर. रूलर, रूलर को आप लोग जानते ही हो, जो आप लोगों के पास स्केल होता है उसे क्या बोलते हैं, रूलर. जो आप लोगों के पास स्केल होता है उसे क्या बोलते हैं, रूलर. तो हम किसे कंपेयर करेंगे, हम रूलर से, यानी रूलर से मेजर करके फिर कंपेयर करेंगे. तो दिया हुआ है वी नो डेट अ मीटर स्केल इन अ वन मीटर इन लेंथ. हम मीटर स्केल को जानते हैं, जानते ही हो आप लोग, आप लोगों के पास स्केल है ही सही सभी के पास, ठीक है. इट होल लेंथ इज डिवाइड इनटू 100 इक्वल पार्ट. जिसकी पूरी लेंथ होती है ना वो किस में डिवाइड होती है, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है. द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेंटीमीटर. और जो लेंथ का ईच पार्ट होता है ना, हर एक पार्ट, उसको किससे जानते हैं हम, सेंटीमीटर के नेम से. किससे जानते हैं, सेंटीमीटर. जो लेंथ का हर एक पार्ट होता है उसको किसके नाम से जानते हैं हम, सेंटीमीटर के नेम से जानते हैं. राइट एज अ सेंटीमीटर, उसको किससे राइट करते हैं, सीएम. किससे राइट करते हैं, सीएम. सीएम का मीन क्या होता है, सेंटीमीटर. ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल सब डिवीज़न, है ना. जो अब जो लेंथ होती है ना वो भी किस में डिवाइड होती है, 10 इक्वल सब डिवीज़न में, है ना. द मेजर ऑफ लेंथ सब डिवीज़न इज कॉल्ड अ मिलीमीटर. जो सब डिवीज़न होता है ना उसे किसके नाम से जानते हैं हम, मिलीमीटर के नाम से. किसके नेम से जानते हैं, मिलीमीटर के नेम से जानते हैं. और रिटर्न एज एमएम, और कैसे राइट कर सकते हैं, एमएम राइट कर सकते हैं. अ रूलर इज स्मॉलर देन अ मीटर स्केल. जो रूलर होता है ना, स्केल होता है, वो मीटर स्केल से क्या होता है, छोटा होता है. यूजुअली इस लेंथ इज 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. जो रूलर की लेंथ होती है ना, या तो 15 सेंटीमीटर की होती है और या फिर 30 सेंटीमीटर की होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. वी मेजर स्मॉल लेंथ विद रूलर. जो छोटी वाली लेंथ होती है ना, जो कम लेंथ होती है, उसको हम किससे मेजर कर सकते हैं, रूलर से मेजर कर सकते हैं. वन एजेस ऑफ रूलर हैज मार्क 2 सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. जो रूलर की एजेस होती है उसको किससे मार्क कर सकते हैं हम, सेंटीमीटर और मिलीमीटर से. ईच सेंटीमीटर इज डिवाइड इन 10 मिमी से इक्वल. जो 1 सेंटीमीटर होता है, ईच सेंटीमीटर यानी हर एक सेंटीमीटर किस में डिवाइड होता है, वो 10 mm यानी 10 मिलीमीटर में डिवाइड होता है. टू मेजर द लेंथ ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट ए बी, टेक अ रूलर विद अ सेंटीमीटर मार्क एंड प्लेस इट अलोंग द सेंटीमीटर ए बी, सॉरी सेगमेंट ए बी, सच दैट द जीरो मार्क ऑन द रूलर होल्ड जस्ट अ ए शो एस इन द फिगर गिवन बिलो. अब देखो रूलर से कैसे मेजर करते हैं, आपको क्या दी हुई है, एक लाइन सेगमेंट दी हुई है. तो लाइन का जो फर्स्ट वाला पॉइंट होता है ना, शुरू वाला, उस पर क्या करेंगे हम, जो हमारा रूलर होता है उसमें जीरो पॉइंट, जो जीरो कहाँ आता है, यहाँ पे शुरू में, उसको कहाँ रखेंगे, ए पॉइंट पे. कहाँ राइट करेंगे, ए पॉइंट पे. नाउ रीड द मार्क ऑन द रूलर विच क्रॉसपोंडिंग द पॉइंट बी. अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारी लाइन फिनिश्ड हो रही है वहाँ पे रूलर कितने पे आ रहा है, देखो वहाँ पे क्या डालेंगे, बी पॉइंट. और बी पॉइंट रूलर पे कहाँ आ रहा है, थ्री पे. कहाँ आ रहा है, थ्री पे. तो इन दिस फिगर कहाँ पे आ रहा है, थ्री पे. ए बी 3 फुल सेंटीमीटर, एक ए और बी क्या है, 3 फुल सेंटीमीटर. यानी ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रूलर से लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं. कैसे करेंगे, पहले तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर शुरू में जहाँ हमारा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे 0 पॉइंट रखेंगे रूलर का,
और जहाँ पे हमारी लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ पे क्या राइट करेंगे, बी। और बी रूलर पे कहाँ आ रहा है, 3 सेंटीमीटर पे। तो ए और बी की ए बी से ए बी लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद है आपके पास ड्रॉइंग अ लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट को कैसे ड्रॉ करते हैं, तो टू ड्रॉइंग लाइन सेगमेंट ए बी टू लेंथ 4.6 सेंटीमीटर। आपको क्या करनी है, 4.6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, यानी एक लाइन सेगमेंट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। ड्रॉइंग अ लाइन सेगमेंट, अब लाइन सेगमेंट को कैसे ड्रॉ करते हैं देखो, आपको दे रखा है टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी टू लेंथ 4.6 सेंटीमीटर। आपको क्या बनानी है, एक लाइन सेगमेंट बनानी है, उसका नेम क्या देना है आपको, ए बी। और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 4.6 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए, 4.6 सेंटीमीटर। तो देखो कैसे बनाएंगे, आपको लाइन सेगमेंट बनानी है ए बी, इसकी लेंथ होनी चाहिए 4.6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे, जैसे स्केल लेंगे यहाँ पे 0 पॉइंट, 0 पॉइंट कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे ए, और कितनी लेनी है 4.6। तो 4 कहाँ आ रहा है हमारा, ये रहा। और 4 ये छोटी छोटी लाइनों को करेंगे 6 1 2 3 4 5 6, कहाँ पे आ गई, यहाँ पे। तो यहाँ क्या डालेंगे, पॉइंट बी, और इन दोनों लाइंस को क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। तो ये क्या बन गई आपकी लाइन सेगमेंट ए बी, जिसकी लेंथ क्या हो गई, 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या बनानी है, लाइन सेगमेंट्स बनानी है। अब इसके आगे हम कल रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट, स्टे सेफ एंड स्टे होम।